Hey guys, this is Ruhi, your verified educator and your category expert at UNACAD. So guys, as a part of this session, we are going to cover the top 300 MCQs from June 2021. Okay, so June 2021 se aapke total top 300 MCQs mein is series ke through cover karungi, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक हो, एसएससी, आरबीआई, नबार्ड या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे. ठीक है, तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे सेशंस देखने मिलेंगे गाइस, जो आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो दीज आर माई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस. एज यू नो, आई टीच ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर द बैंक एज वेल एज द न्यू आरबीआई एंड सेबी नबार्ड कैटेगरी. सो आई हैव द अपकमिंग कोर्सेस which have already begun from 9th of June. ठीक है, तो बैच कोर्स आरबीए ग्रेड बी के लिए और नबार्ड के लिए, दोनों के लिए बैच कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट जो है फेज टू का मेंस का आपका कवर किया जा रहा है. एंड इसमें मैं आपको नबार्ड के लिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पढ़ा रही हूँ, एंड इवन फॉर आरबीआई ग्रेड बी द सिलेबस ऑफ ईएसआई सेम. सो दिस बैच इज कॉमन टू बोथ द एस्पिरेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 9th ऑफ जून. Other than this, in the RBI, okay, RBI Grade B के लिए मेरा मैनेजमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है 23rd जून से. ठीक है, और पार्ट टू जो रहेगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा. एंड और एक बैच जो कि 11 अगस्त से स्टार्ट होगा, वो होगा आपका इथिक्स का. ओके, तो ये गाइज मेरे RBI और नबार्ड के कुछ कोर्सेस है. इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो कि अलग अलग फैकल्टीज अनअकैडमी पे पढ़ा रही हैं. सो अगर आप आरबीए, सेबी, नबार्ड जैसे एग्जामिनेशंस जो कि रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, इनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन. एंड व्हाइल गोइंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज दिस कोड रूही10, ओके, टू अवेल अ मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, अगर आपको फ्री प्लान अनलॉक करना है तो उसके लिए भी आप सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हो. चलो, आज के सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि आपके जून करंट अफेयर्स से रहेंगे. सो यहाँ पर पहला सवाल है, ओईसीडी के मुताबिक जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है इंडियन इकोनॉमी का फिस्कल 2022 के लिए कितना प्रतिशत है? 9.9, 12.6, 10 या फिर 11.2? सो गाइज लेट मी टेल यू, इट इज 9.9%. ओके, सो टोटल ओईसीडी के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक जो फोकास्ट रहा है 2021-22 के लिए, वो 9.9% रहेगा. एंड इसके पहले जो एस्टिमेट किया गया था, इट वॉज 12.6%. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, इन द फोकास्ट बाय ओईसीडी व्हिच इज 9.9% करेंटली. The next question here is, इनमें से कौन से स्टेट ने एक सिटी वाइड सेवेज सर्वेलेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है विच विल हेल्प ऑफिशियल्स ट्रैक द वायरस एट एन अर्ली स्टेज. ठीक है, सो वायरस, कोविड-19 वायरस को अर्ली स्टेज पे ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कर्नाटका द्वारा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे कर्नाटका का इनिशिएटिव रहा है. ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज इंट्रोड्यूसिंग अ सेवेज सर्वेलेंस सिस्टम इन बैंगलोर. सो बैंगलोर सिटी में इंडिया का पहला इनिशिएटिव रहेगा ये, जो कि सर्वेलेंस का काम करेगा, कोविड-19 वायरस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेगा. इवन असिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स जो है, जिनको कोई भी तरीके का सिम्टम नहीं है, उनको भी डिटेक्ट करने का काम ये सिस्टम के थ्रू किया जाएगा. तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है, बैंगलोर इसे डेवलप कर रहा है. अगला सवाल है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स has been constituted by GST Council to examine the GST exemption on COVID-19 relief materials. Who is the chairperson of this panel? So, यहाँ पे GOM constitute किया गया है GST Council द्वारा. So, यहाँ GST जो आपका लग रहा है, so कौन से materials पे GST exemption दिया गया है? COVID-19 relief materials. So, ये panel बनाया गया था, इसके head या फिर chairperson कौन है? सो यस गाइज, द करेक्ट आंसर इज मेघालय. ओके, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड सांगमा, जिनके द्वारा इस कमिटी को हेड किया जा रहा है. ये 8 मेंबर का पैनल है. ओके, 8 मेंबर मिनिस्टेरियल पैनल है विच इज हेडेड बाय कॉनराड के सांगमा.
So GST Council has constituted this group of ministers to examine GST exemptions on a range of COVID-19 relief materials such as vaccines, drug testing kits and ventilators. So ये सारे items पे जो है जीएसटी एग्जेम्प्ट किया जा रहा है ओके कोविड-19 रिलीफ मेजर्स के तहत. और यस, इस कमिटी के हेड कौन है और इसमें कितने मेंबर्स हैं, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. अगला सवाल है, हाल ही में गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड और अनाउंस्ड स्कीम टू प्रोवाइड पेंशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ कोविड विक्टिम्स. द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ सच पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट ऑफ द एवरेज डेली वेज ड्रॉन बाय द वर्कर एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. So here, as per the existing norms, the average daily wage drawn by the worker is 90%. अब government ने ये announcement, ये घोषणा की है कि a string of measures including a pension for dependents of those having lost their lives due to COVID-19. Okay, so COVID-19 के कारण जिनका भी जिनके भी family में निधन हुआ है ओके दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू द डेथ. सो दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेंशन फॉर दोज डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हैविंग लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू कोविड-19 अमंग अदर बेनिफिट्स फॉर देयर फैमिलीज हु लॉस्ट देयर अर्निंग मेंबर्स ड्यू टू द पैंडेमिक. सो फॉर सच पीपल द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स विल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट अ पेंशन इक्विवेलेंट टू 90% एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. Next question, who has been appointed as the new DG, Director General of National Investigation Agency, NIA, के नए Director General का नाम क्या है? Samant Goel, Arvind Kumar, Subodh Kumar Jaiswal या फिर Kuldeep Singh? Yes guys, the answer is Kuldeep Singh. Kuldeep Singh की हाल ही में appointment हुई है as the new Director General of National Investigation Agency. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ओके इनकी अपॉइंटमेंट की गई है. इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल का. सो ही इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री फॉर्म्ड अ पैनल टू डिफाइन ऑफेंसेस ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिनेंस, डिफेंस या फिर होम अफेयर्स. सो यस, दिस basically this panel is formed to define the offenses of speech or expression by the Ministry of Home Affairs. ठीक है, so एक panel constitute किया गया है Union Home Ministry द्वारा to suggest reforms to the British era Indian Penal Code IPC. Okay, IPC to propose a separate section on offenses relating to speech and expression. So speech or expression से related एक सेपरेट सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर आईपीसी में कुछ रिफॉर्म्स ये पैनल सजेस्ट करेगा, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें रिफॉर्म्स जो है सजेस्ट करेगी. एवरी ईयर 1st of June इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट विच ऑफ दिस डेज. हर साल 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे. यस, हर साल वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को. याद रखना है गाइस, टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड. वेरी इंपॉर्टेंटली, मिल्क को ग्लोबल फूड रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अटेंशन टू द एक्टिविटीज दैट आर कनेक्टेड विद द डेयरी सेक्टर. सो एज यू नो ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड एंड इट कनेक्ट्स सो मच विद आवर डेयरी सेक्टर. So to bring an attention about of the people towards the importance of milk, every year we mark this day as World Milk Day. अगला सवाल है हमारा, इसका थीम आपको बताना है 2021 के लिए. सो हर साल अलग थीम होता है गाइस. तो इस साल का जो थीम रहा है वर्ल्ड मिल्क डे के लिए, इट इज सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिप्टो करेंसी लॉन्च्ड अ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म where investors can lend their coins to cryptocurrency exchange. So यहाँ पर basically guys, कौन सा cryptocurrency exchange, crypto exchange launch किया गया है जहाँ पर investors okay अपने coins lend कर सकते हैं to cryptocurrency exchange. So the name of this crypto exchange is Zebpay.
ओके सो ज़ेबपे हैज बीन लॉन्च्ड ओके इट हैज लॉन्च्ड अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म वेयर द इन्वेस्टर्स कैन लेंड देयर कॉइंस टू द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड दे कैन दस अर्न रिटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द टोकन एंड द टाइम पीरियड इट इज लोन फॉर. तो यहाँ पे इस कॉइन्स को लेंड करके ज़ेबपे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा खासा रिटर्न जो है अर्न किया जा सकता है. सो लेंडिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन टू फॉर्म्स. दो ऑप्शंस रखे गए हैं, ओपन टर्म और फिक्स्ड टर्म लोन फैसिलिटी अंडर दिस इनिशिएटिव. सो याद रखना आपको कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये ज़ेबपे ये है ओके. और ज़ेबपे के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है, ओपन टर्म एंड फिक्स्ड टर्म. The next question is when is UN recognized Global Day of Parents celebrated globally? Very important. UN Global Day of Parents हर साल मनाता है 1st of June को. Okay, so 1 June को World Milk Day भी मनाया जाता है और Global Day of Parents. Okay, Global Day of Parents. So जो हमारे parents हैं वो कितना selfless commitment, कितनी सारी sacrifices जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना, उनको ट्रिब्यूट देते हुए हर साल जो है ग्लोबली ये दिन मनाया जाता है जून 1 को. एंड दिस डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2012. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ओके. इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है कि इसे ऑफिशियली कौन रिकॉग्नाइज करता है. तो यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में इस दिन को ऑफिशियली ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स रिकॉग्नाइज किया हुआ है. इसका जो थीम रहा है 2021 के लिए इट इज अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके सो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ओके ऑफ ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. हु टॉप्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर सेक्शन ऑफ 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट. ओके 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में किसने टॉप किया है मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर with a minimum qualification score, Tejaswini Sawant, okay, she has topped, okay, in the European Shooting Championship, which was held in Croatia. Croatia mein huye European Shooting Championship mein Tejaswini Sawant ne top kiya hai, okay, and she has topped the minimum qualification score section of 50 meter rifle prone event. Next question, Pooja Rani. Who has recently won the gold medal for India in which sports? किस स्पोर्ट्स के लिए पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यस आपका करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग के लिए. ओके तो याद रखना है इंडिया की पूजा रानी ने गोल्ड मेडल 75 किलो केजी में जीता हुआ है. इन 75 केजी वुमेन्स मिडल कैटेगरी फाइनल में 2021 एशियन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दुबई में हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल हासिल करने वाली महिला पूजा रानी है. She is the alone Indian woman boxer to strike gold at this Asian Championships. Very very important guys. यहाँ से आपको venue पूछा जा सकता है, category पूछी जा सकती है 75 kg में और कौन सा medal हासिल किया है? तो gold medal इन्होंने जीता हुआ है. Who clinched the Belgrade Open title? 2021 के लिए Belgrade Open title विजेता रहे हैं Novak Djokovic. ओके सो गाइस टेनिस के वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन टाइटल जीता हुआ है आफ्टर डिफीटिंग स्लोवाकिया एलेक्स मालकिन इन सर्बिया. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने किसे डिफीट करते हुए बेलग्रेड ओपन टाइटल जीता हुआ है. सो आफ्टर डिफीटिंग स्लोवाकियस एलेक्स मालकिन, ओके एलेक्स मालकिन को डिफीट करते हुए नोवाक जोकोविक विजेता बने हुए. Who is the author of the book Languages of Earth Essays 2003-2020? So, यहाँ पे एक book है Languages of Truth Essay 2003-2000 से लेकर 2020 तक के. इस book के author रहे हैं सलमान रश्दी. Okay, so काफी सारे books लिखे हैं इन्होंने. Novelist author है सलमान रश्दी. He is a well-known novelist and author who has authored this book called Languages of Truth Essays 2003-2020. Which country to host a reminder IPL 2021 tournament in September-October? So the host country for IPL 2021 tournament will be United Arab Emirates. So UAE इसे hold करेगी सितंबर अक्टूबर में इस साल. ये घोषणा BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के द्वारा की गई है.
अगला सवाल है प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट आपको बताना है ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22। 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 5.8% का रहेगा। ओके सो यस दिस इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय ओईसीडी एंड इट नाउ एक्सपेक्ट्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5.8% इन 2021 कंपेयर टू 4.2% व्हिच वाज प्रोजेक्टेड इन दिसंबर लास्ट ईयर। सो याद रखना है द जीडीपी फोरकास्ट फॉर फिस्कल 2021-22 इज 5.8%। नेक्स्ट नाज़िम खज़ाबे वोन गोल्ड एट 2021 एएसबीसी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई शी रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। अब किस कंट्री से खेल चुकी है नाज़िमी खज़ाबे। ओके सो गोल्ड हासिल किया है उन्हें एएसबीसी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कि दुबई में हुई थी। यस शी रिप्रेजेंट्स कजाकिस्तान। ओके सो कजाकिस्तान से ये खेलती है। सो शी हैज वोन विच मेडल यू हैव टू रिमेंबर शी हैज वोन गोल्ड मेडल फॉर कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज वॉन द चैंपियंस लीग टाइटल 2021। 2021 का चैंपियंस लीग टाइटल के विजेता रहे हैं चेल्सिया। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉलीवुड स्टार हैज रिसीव्ड अ गोल्डन वीजा फॉर द यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के लिए गोल्डन वीजा हासिल किया है संजय दत्त ने। सो वेरी इंपॉर्टेंटली ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉलीवुड स्टार संजय दत्त हैज रिसीव्ड गोल्डन वीजा फॉर यूएई। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने नियर आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है फॉर एरो इंजिन्स। सो एरो इंजिन्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अनाउंसमेंट की है कि वो एक मॉडर्न स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग अल्टीमेट एरोनॉटिकल चैलेंज। ओके एंड यस विद दिस चैलेंज बेसिकली डीआरडीओ इज सेट टू डेवलप अ नियर आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द एरो इंजिन्स। ओके सो योर आंसर इज डीआरडीओ हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने नैनो यूरिया को लॉन्च किया है इन द मार्केट। ओके सो बेसिकली इट इज सेट टू लॉन्च नैनो यूरिया इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो यस द करेक्ट आंसर इज इफको। इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव विच विल लॉन्च नैनो यूरिया इन द मार्केट इन द नेक्स्ट मंथ। इसमी गोयटा हु वाज अपॉइंटेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसमी गोयटा की अपॉइंटमेंट हुई है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। माली की नई प्रेसिडेंट इंटरिम बनी है। इंटरिम मतलब शी इज नॉट द फाइनल प्रेसिडेंट। माली ने अपने इंटरिम प्रेसिडेंट की घोषणा की है। इनका नाम है असीमी गोयटा। अगला सवाल है कितना इंटरेस्ट रेट कैप किया गया है ECLGS के तहत। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है ECLGS का एंड ECLGS के तहत इंटरेस्ट रेट विच हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट करंटली इज 7.5%। ओके सो 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहां पर ECLGS के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है COVID-19 पैंडेमिक रिलीफ मेजर के तहत MSMEs को सपोर्ट करते हुए एक्सटेंशन दिया गया है। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को असिस्टेंस देते हुए ECLGS को एक्सटेंड किया गया। नाउ रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड वॉर गेम्स स्टेडफेस्ट डिफेंडर 21। नाटो ब्रिक्स यूनिसेफ या फिर क्वाड। सो हाल ही में वॉर गेम्स स्टेडफेस्ट डिफेंडर 21 नाटो के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। सो यस वेरी इंपॉर्टेंटली गाइस द करेक्ट आंसर हियर इज नाटो। So as tensions with Russia simmer, thousands of NATO troops, several warships and dozens of aircraft are taking part in military exercises stretching all across the Atlantic and through Europe and into the Black Sea region also. And thus a part of this initiative, War Games Steadfast Defender 21 conduct kiya gaya hai NATO ke dwara. अगला सवाल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पेशल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है फॉर दोज ऑफन ड्यू टू COVID-19। हाउ मच कॉर्पस वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क इट एज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर वन ऑफ योर एग्जामिनेशन गाइस। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मोदी जी के द्वारा कितना जो है एडिशनल कॉर्पस अनाउंस किया गया है।
इट इज रुपीज 10 लाख. ओके, 10 लाख का कॉर्पस है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम फॉर ऑल द ऑर्फन. ओके, ऑर्फन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19. तो 10 लाख का है, याद रखना है गाइस. 10 लाख फॉर ईच चाइल्ड विल बी गिवन टिल ही और शी रीचेस द एज ऑफ 18 ईयर्स. ओके, सो 18 साल के वर्ष तक के 10 लाख का ये कॉर्पस हर बच्चे को मिलेगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से खोए हैं. अगला सवाल है, हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली लिकर पॉलिसी को स्विच किया है फ्रॉम प्रोहिबिशन टू रेस्ट्रिक्शन. ओके, सो अर्लियर इट वॉज प्रोहिबिटेड एंड नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड. लिकर पॉलिसी इन विच स्टेट? सो येस द आंसर इज आंध्र प्रदेश. सो येस द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैज अनाउंस्ड अ मेजर शिफ्ट इन द गवर्नमेंट्स लिकर पॉलिसी मूविंग फ्रॉम प्रोहिबिशन टू रेस्ट्रिक्शन. ओके, प्रोहिबिशन को निषेधम कहते हैं और रेस्ट्रिक्शन को नियंत्रण. सो पहले लिकर पॉलिसी आंध्र प्रदेश में प्रोहिबिटेड थी एंड नाउ दे हैव रेस्ट्रिक्टेड. सो द स्टेट विल इम्प्लीमेंट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन लिकर इन अ फेज्ड मैनर टू प्रोटेक्ट द फैमिलीज फ्रॉम सच ईविल. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च द यंग वॉरियर मूवमेंट टू एंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. अब कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट के लिए यंग वॉरियर मूवमेंट लॉन्च किया गया है CBSE द्वारा. CBSE has launched this, okay, nationwide young warrior movement. याद रखना है आपको मूवमेंट का नाम. कोई भी कैंपेन हो, कोई भी मूवमेंट हो, आपसे पूछ लेते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया है. सो CBSE के द्वारा यंग वॉरियर मूवमेंट लॉन्च किया है टू एंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. And this is expected to impact 50 million people. So, ये movement 50 million से ज़्यादा लोगों पर impact करेगा. Mount Nyiragongo is an active stratovolcano with an elevation of 3,470 meters. It is located in which of the following countries? So, Mount Nyiragongo is located in Congo. ठीक है, तो ये एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो है बेसिकली 3,470 मीटर का. माउंट नियरांगोनो इज लोकेटेड इन कोंगो. ओके, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में लोकेटेड है. एंड यस, यू हैव टू रिमेम्बर इट इज एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो विथ 3,470 मीटर ऑफ एलिवेशन. अजित डोवल हैज कमीशन द ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल. यस, बेसिकली द नेम ऑफ द वेसल हियर इज सजग. ओके, सजग ये वेसल का नाम है गाइस. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजित डोवल, जिन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ओके, सो पेट्रोल वेसल जिसका नाम है सजग, इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कमीशन किया है, जो कि मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा. तो यहाँ से दो सवाल आपसे बन सकते हैं. पहला सवाल, थ्री क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं. पहला सवाल कि ऑफशोर वेसल का नाम क्या है, इट इज सजग. दूसरा सवाल, किसने इसको कमीशन किया है, अजित डोवल द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. एंड तीसरा सवाल, इसको मैन्युफैक्चर या फिर कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है, तो दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. नेक्स्ट इज करेंसी. नाउ द स्टैटिक. ओके, सो एज यू नो गाइस, कोई भी एग्जामिनेशन में जब GA पूछा जाता है तो GA के साथ आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं. तो चाहे बैंकिंग से रिलेटेड स्टैटिक हो या फिर जनरल स्टैटिक, कैपिटल करेंसी, डैम्स, रिजर्व्स, वो सारे भी हम हमारे सेशंस में कवर करते हैं. सो करेंसी यहाँ पर UAE की क्या है? UAE की करेंसी है दिरहम. ओके, सो दिरहम इज अ करेंसी ऑफ UAE. द हेडक्वार्टर्स ऑफ DRDO इज इन न्यू दिल्ली. And the currency of Mali, the third question from static, Mali ki currency hai CFA franc. Okay, so that's all for the day guys. I hope you have enjoyed the session. Okay, because it covers very a variety of questions. Okay, which are of a basic level, moderate level and difficult level. So hope you attend this quiz. Okay, on a daily basis as and when I keep uploading videos. And see you then. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice day.